ये देखिए लोग जहाँ तहाँ पड़े हुए हैं भाई, जिसको जहाँ जगह मिल रही है वो वहीं लेट जा रहा बस। सुबह भी यार 3 बजे लाइन में लगे थे, अच्छा 7 बजे खिड़की खुलते ही उन्होंने अलाउंस कर दिया भाई आज रजिस्ट्रेशन नहीं हो। क्या कहेंगे यहाँ की व्यवस्था के बारे में? यहाँ की व्यवस्था गड़बड़ है और तो व्यवस्था का क्या दिन हो गया। हम लोग को ये ऑटो वाला सबसे पहले ठग लिया, हरिद्वार से वो आरती करने का जगह में लेके जाने के लिए 400 लिया, अच्छा उसके बाद में ऑनलाइन में सब कुछ कर देगा बोल के 660 रुपए लिया। और ये भी हॉल में आ गया, मैं हॉल की स्थिति आप देख सकते हो भाई फुल भरा हुआ है। यहाँ पर फिर से एक और काउंटर हंस फाउंडेशन की तरफ से खाना लेते हुए लोग स्वागत आपका एक और ब्लॉग में। और ब्लॉग की शुरुआत आज हो रही है भाई टाइल्ड कैंप से ऋषिकेश में। चार धाम यात्रा में बहुत भीड़ है और यहाँ पर जो है सभी का रजिस्ट्रेशन जो है वो रोक दिया गया है, लेकिन बहुत भीड़ है ऊपर, इसी वजह से यहाँ लोग पड़े हुए हैं। और ये जानते हैं उनसे कि कैसे कैसे वो लोग यहाँ पर रह रहे हैं और कितने दिनों से रह रहे हैं। से कुछ लोग मिले हैं और यहाँ इनको अभी करीबन 24 घंटे से ऊपर हो गया है और अभी भी ये टारगेट कैंप में ही है और अभी तक इनका रजिस्ट्रेशन वगैरह हुआ नहीं। ललित कुमार, हाँ जनवा, यहाँ व्यवस्था थोड़ी डगमगा गई है। आगे की जो प्रशासन का काम है वो बिल्कुल बेकार काम है, कोई गाइडलाइन सही नहीं है, कोई सही जानकारी नहीं दे रहा कि क्या होगा नहीं होगा, सटीक जानकारी कौन दे रहा, कोई 20 बता रहा, कोई 22 बता रहा, कोई 25। यात्रा करने आए अपने हिसाब से आए, आराम से आए, अभी मतलब 2-4 दिन। बिल्कुल वही मैं कहना चाह रहा हूँ, मैं सभी से ये कहना चाह रहा हूँ कि यात्रा अगर कर रहे हैं ना तो भैया हड़बड़ी ना मचाएं यार, अभी आराम से आए। ये लोग भी यही कहना चाह रहे हैं क्योंकि लोग ना जैसे ही कपाट खुलते हैं वैसे ही भागना शुरू कर देते हैं। और स्थिति मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपको यहाँ पर देखिए लोग है ना ये कैंप लगा के बिल्कुल बैठे हुए हैं, हालांकि कूलर की व्यवस्था है लेकिन जहाँ का तहाँ पड़े हुए हैं और वो गर्मी भी काफ़ी है। यहाँ पे जो गाड़ियाँ हैं ना ये सारे की सारी यात्रियों की गाड़ियाँ हैं और कुछ लोग जो है यहाँ पर भी रह रहे हैं, आप देख सकते हो ये। और लोग जो है यहाँ पर कूलर का आनंद भी ले रहे हैं, लेकिन एक ही कूलर है आप देख सकते हो, ओपन है ये पूरा का पूरा और एक ही कूलर में सारे के सारे लोग रह रहे हैं। यहाँ पर अंकल जी मिलकर कितने दिन हो गए अंकल जी आपको? 3 दिन हो गया है। 3 दिन हो गया? हाँ प्रयागराज से आए हुए हैं। अच्छा। 3 रोज से यहाँ रुके हुए हैं, रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा। 3 दिन से रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा? नहीं हो पा रहा। तो आप रहे कैसे रहे? इसी टेंट में रह रहे? बस इसी टेंट में रह रहे हैं। खाने का क्या है? खाने के लिए अपने पास है, बस एजेंट जो है बनाते हैं भोजन। अच्छा, आप पूरी बस आ रखी? हाँ बस में साथ में। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। क्या कहेंगे आप इस व्यवस्था के लिए? बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे, बढ़िया है, बहुत अच्छी व्यवस्था। लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा? रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है। ओके, थैंक यू। अब इतनी भीड़ में सबके साथ उतनी व्यवस्था नहीं हो पा सकती, लेकिन अंदर मैं घूम के देखा हूँ, बड़ी अच्छी व्यवस्था है। अच्छी व्यवस्था। बस नेपाल से भी है हमारे पड़ोसी देश, वो भी यात्रा के लिए आ रखे हैं और 4 दिन से यहाँ पर फंसे हुए हैं ऋषिकेश ट्रांजिट कैंप में। आपको बहुत दिक्कत हुआ? बहुत दिक्कत हुआ जी। तो 4 दिन से रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा? नहीं। कब है प्लान अभी जाने का? अब वहाँ से यहाँ से होगा तब ही ना जाएंगे। अभी कुछ बताया नहीं? कुछ नहीं बताया। खाने पीने का क्या, आपका खुद लेके आए हो? हाँ वो बनाते हैं लोग, खाते हैं। खुद ही बनाते हो? हाँ। कितने लोग हो आप लोग वहाँ से आए? 40 आदमी। 40 लोग? 35 आदमी है। 35 आदमी? तो 40-35 होंगे ना? हाँ वही। तो सब साथ ही यहीं पर हैं? हाँ हाँ। तो यात्रा आपकी कहाँ? केदारनाथ के लिए? हाँ केदारनाथ। केदारनाथ के लिए? चार धाम। चारों धाम के लिए? स्टैंड में आप देख सकते हो यहाँ पर भी एक कूलर इधर लगा रखा है और एक कूलर यहाँ पर लगा रखा है और भरा हुआ। ये भी हैदराबाद के है? अरे हैदराबाद से आप तेलंगाना में आ गया? वो तो आप तेलंगाना, पहले आंध्र प्रदेश में था। हाँ तेलंगाना। कितने लोग आए आप? 30 आदमी आए। हो गया रजिस्ट्रेशन आपका? रजिस्ट्रेशन नहीं आया बोल के 3 दिन होगा, बढ़ गया 3 दिन हो गया। 3 दिन। तो यहाँ पर रुक के कैसे लग रहा है? क्या रुक के देख रहे, धूप है, गर्मी भी है, गर्मी भी है। और खाने का क्या है आपका? अभी कुछ थोड़ा बहुत तो होटल में खा ले रहे। बाकी बस आ रही है आपकी? बस है, अभी क्या है उधर कैंसिल हो गया तो हिमाचल प्रदेश जाने का प्लान कर रहे हैं। अच्छा हिमाचल जाओगे आप? क्या करेंगे, ये बात सही है। और देखिए भाई कुछ लोग यहाँ से हिमाचल जाने का भी प्लान कर रहे हैं, पर उत्तराखंड में नहीं घूमेंगे हम लोग क्योंकि रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, तो हिमाचल जाने की कोशिश में है। और ये देखिए भाई काफ़ी लोग जो है ऐसे ही बैठे हुए हैं सामान के साथ में, आप देख सकते हैं वहाँ तक फैले हुए हैं काफ़ी लोग। बाकी भाई मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा, आप आएँ तसल्ली से आएँ, क्योंकि ना यहाँ पर क्या होता है कि कपाट खुलते हैं और लोग जो है भागने की कोशिश करते हैं, तो उससे क्या होता है हड़बड़ी बहुत मचती है। तो अभी तो एडवाइजरी भी जारी हो गई है कि जो भी जाएगा रजिस्ट्रेशन के बगैर जाएगा नहीं वो ऊपर। नो पार्किंग है लेकिन गाड़ियाँ फिर भी खड़ी हैं, ये सब कहूँगा आप देख सकते हो यहाँ पर, यहीं पर काफ़ी लोग बैठे हुए हैं भाई, ये बहुत ज़्यादा।
ये देखिए यहाँ पर अंकल जी लोग, यहाँ पर जो है पड़ोसी देश नेपाल के काफी दिग्गज मिल गए। बताइए सर, कितने दिन हो गए आपको और कैसे कैसी व्यवस्था यहाँ पे? हम लोग को ये ऑटो वाला सबसे पहले ठग लिया। अच्छा। हरिद्वार से वो आरती करने का जगह में लेके जाने के लिए 400 लिया। अच्छा। उसके बाद में ऑनलाइन में सब कुछ कर देगा बोल के 660 रुपए लिया। ऑटो वाले ने आपको गलत रास्ता दिखाया? वो 400 लिया पर हम लोग 30 आदमी है, 30 आदमी का एक आदमी का 400 लिया। बाद में पता चला इतना दूर तो नहीं है, वहाँ से हम लोग को भी ठगी किया। दूसरी बात, ऑनलाइन से कर देगा बोल के 660 रुपये एक आदमी का लिया, वो भी काम नहीं हुआ। हम लोग वहाँ गंगोत्री पहुँच के रिटर्न आया, वापस आ गया। आपको रजिस्ट्रेशन नहीं था? हाँ, रजिस्ट्रेशन नहीं था। वहाँ से फिर हम लोग रिटर्न आया, इसलिए यहीं पर बैठा है अभी। अब क्या प्लान है आपका? अभी हम लोग बस चार धाम के लिए वही बद्री में जाएंगे, वही बद्री में जाके केदार जाएंगे, होएगा तो केदार जाएंगे, बद्री जाएंगे, उसके बाद अपना मतलब पाँच। क्यों नहीं गए आप ऊपर राजस्थान? गाड़ी फंसी है यार, रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। कब करे, कब तक हो जाएगा? कोई पता नहीं, कल होगा, कल कैसे परसों होगा, चार पाँच दिन हो गए। यहाँ आप रह रहे हो, व्यवस्था ठीक है यहाँ पे? कुछ नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। खाने होने का क्या है? खाने वाने का तो अपना खुद बना रहे हैं आप? बना रहे, खा रहे हैं अपना, अपना खुद बना रहे हो ना? गाड़ी आई होगी आपकी? हाँ, गाड़ी आई। ओके, और रहने के लिए? चौड़े में पड़े आपको दीदी ने गाड़ी छोड़ के चली गई? चलिए भाई, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं। यहाँ पर ऋषिकेश में काफी लोग भाई ऐसे रह रहे हैं बिना रजिस्ट्रेशन के, 3-4 दिन हो गए हैं और बड़ी दिक्कत से हो रही है लोगों को यहाँ पर रहने में, क्योंकि होता ही है। तो यहाँ देखिए, ये भी अंकल लोग वगैरह बैठे हुए, बुजुर्ग लोग बैठे हैं यहाँ पर काफ़ी, और यहाँ पर काफ़ी। कहाँ से हैं अंकल जी आप? एमपी। हाँ जी, एमपी से। कितने दिन हो गए यहाँ पे? चार दिन से। कहेंगे आप कुछ, कहना चाहेंगे इस प्रशासन को या क्या कहे? हम प्रशासन परेशान है बेचारा, क्या कहे प्रशासन, क्या करे? जनता को थोड़ा धैर्य से आना चाहिए, है ना? हाँ। थोड़ा रुक के थोड़ा धैर्य से आना चाहिए। सब लोग कपाट खोलते हैं और भागना शुरू कर देते हैं, उसमें हड़बड़ी मस्ती बहुत, है ना? ओके, थैंक यू, धन्यवाद। और ये देखिए यार, महिलाओं का कोई यहाँ पर वो नहीं, सब ऐसे पड़े हुए भाई, आप देख सकते हो यहाँ इनके कपड़े सूख रहे हैं। फैन फोन भी लगा रखे हैं कई टेंट में और कूलर भी चल रहे हैं, लेकिन गर्मी काफ़ी है भाई, इतनी हीट में लोग जो है कि इन टेंटों में रह रहे हैं, वो भी बहुत बड़ी बात है। और लोग जो है काफ़ी दिनों से यहाँ ऐसे पड़े हुए हैं। से कितने दिन हो गए यहाँ पे? 8 दिन आ गई। 8 दिन से आप यहाँ? बस वाला कब तक खवाएगा खाना? वो बेचारा कब तक खवाए? तो आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ अभी तक? नहीं हुआ, गई 6 दिन हो गए। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं आजकल सुबह होगा, शाम होगा, सुबह होगा, ऐसा रजिस्ट्रेशन नहीं होगा? ओके, लग रहा है। व्यवस्था के बारे में बताइए। व्यवस्था तो अच्छी है, लेकिन यहाँ बहुत परेशानी आ रही है जाने में। आपको कितने दिन हो गए? हमको 6-7 दिन हो गए। 6-7 दिन, हफ्ता ही मान लो। हाँ, एक हफ्ता हो गया। एक हफ्ता यहीं पड़े हुए? तब यहीं पड़े हुए। तो रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं हो रहा? रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, बोल रहे हैं कि ऑनलाइन साइट नहीं आ रही। ऑनलाइन? अच्छा। और मतलब खाने पीने का क्या है? खाने पीने का तो हमारा खुद का ही है, खुद ही बना रहे हैं। खुद ही बना रहे। ओके, तो मतलब यहाँ पर और व्यवस्था कुछ क्या होना चाहिए? और व्यवस्था होना क्या चाहिए, हमारा तो यही है, बस तीर्थ हो जाए, दर्शन हो जाए। और व्यवस्था की तो ठीक है, जो जैसा है, जो तीर्थ यात्रा के लिए निकली है, इसमें जैसा होगा जैसा करेंगे, पर कम से कम रजिस्ट्रेशन हो जाए तो निकल तो जाए। और यहाँ से आगे अगर लेट भी होती है तो फिर जाना भी नामुमकिन। अभी 10 मिनट के लिए खोला था, फिर बाकी बंद कर दिया। अच्छा, 10 मिनट भी खोला था? हाँ, तो पता नहीं इसके लिए। हाँ जी अंकल जी, क्या कह रहे थे आप? 70 में से 50 का रजिस्ट्रेशन 13 तारीख को हो गया। ओके। और 25 रह गए, उसके खातिर सब 5 दिन से पड़े, सब पड़े हुए। हाँ, यहाँ अब वो राशन पानी भी सब खत्म होने वाला है। और गाड़ी वाला ही मना कर रहा है, गाड़ी वाला नहीं जा रहा है। गाड़ी वाले खाना दूर से है, गाड़ी वाला मना कर रहा तो खाना परेशान होंगे। परेशान हो रहे हैं ना, कुछ दिन के लिए तो लाया होगा वो, बाकी तो क्या है भाई, पूरे दिन गिन के तो लाए थे भाई, 13 दिन लगेंगे। अब 13 दिन में आज 7 दिन तो हो गए यही पे, अभी बाकी आगे का प्रोग्राम तो बाकी है। और ये रोजाना लगते हैं लाइन में, और वो कह देते हैं आज के लिए बंद हो गया। हाँ, बस सुबह भी यार 3 बजे लाइन में लगे थे। अच्छा। 7 बजे खिड़की खुलते ही उन्होंने अनाउंस कर दिया भाई आज के रजिस्ट्रेशन नहीं हो। रोज यही होता है, देखा नहीं ये पहली बार? देखा, इतनी दिक्कत है पहली बार आ रही? पहली बार आ रही।
चलिए कोई नहीं, बजट की भी तो समस्या है लोगों का, बजट नहीं है तो काहे को चलाते सरकार, छोड़ो बजट में 5 दिन का बजट यही खत्म हो रहा है, यात्रा काहे से करेगा। बहुत टाइम खड़े हुए, 8-10 बार पहुँच गए वहाँ, हमको वहाँ से निकाल देते हैं और अभी कितना टाइम लगता है हमारा लोग नहीं है। पानी की व्यवस्था, कूलर वगैरह की व्यवस्था कर रहे हैं यहाँ पर पानी के लिए, और शायद एको गार्ड वगैरह भी फिटिंग है, और पानी बिल्कुल ठंडा मिल रहा है यहाँ पर पानी? नहीं मिल रहा, ठंडा नहीं है पानी? पानी ये तो लाइट तो कूलर तो चल रहा है, चल रहा है पर पानी देखिए, हाँ हाँ पानी तो बहुत धीरे आ रहा है, तो कैसे काम चलेगा? और आपके पास में बोतल बहुत बड़ी है, सही है, है ना? और यहाँ भी देखिए पानी प्यास मर रही है, दिक्कत हो रही पानी की? दिक्कत हो रही सर। अच्छा तो ये बताओ, ये दो कूलर तो लगे हुए यहाँ पर, ठंडा आ रहा पानी? ठंडा है मगर पानी आने का पानी नहीं है, पानी नहीं है, पानी ठंडा है पर पानी है ही नहीं, पानी की दिक्कत है, कभी कभी भरपूर मिलता है लेकिन कभी। अभी स्थिति ट्रांजिट कैंप के ऋषिकेश के, और आप देख सकते हो यार लोग अपना ताम झाम लेके आए, वही देख सकते हैं आप, ये पूरा खाने बनाने का पूरा सिलेंडर व्यवस्था और सारे लेके आए। कहाँ से सर आप? एमपी से सर, इंदौर से। अरे इंदौर से जी सर। बहुत बढ़िया, कैसे लग रहा है यहाँ पे? सर लग तो बहुत बढ़िया रहा है, पर 3 दिनों से परेशानी बहुत आ रही है सर। रजिस्टर कब जा रहे हैं आप? रजिस्ट्रेशन कब हो रहा है आपका? सर अभी तो कोई तारीख इतनी फिक्स नहीं है सर, यहाँ पे 3 दिन से हो गए सर खड़े खड़े यहाँ पे, और बतला रहे अभी कोई समय नहीं, निर्धारित समय। खाना वो ना यही बना रहे हो आप अपना? सर सभी सामान साथ में लाए, ध्यान से बनाइएगा, थोड़ा फायर केस ना हो। नहीं सर वो बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से बना रहे हैं। हाँ। बिल्कुल। और कितने दिन रुकने की इच्छा है? सर इच्छा क्या है? हाँ भाई सही बात है, रजिस्ट्रेशन हो सके इतने अच्छा है सर, जल्दी जाएंगे। हाँ जी सर, चलो ओके थैंक यू। और यहाँ आप देख सकते हो गाइस, टेंट की अच्छी व्यवस्था है और रुक भी रहे लोग इसी में, और देखिए कुछ लोग बिल्कुल, फैन भी एक है लगा रखा है, और कुछ लोग बिल्कुल ऐसे ही है यहाँ पर टेंट में। कहाँ से सर आप? ग्वालियर से। ग्वालियर से, ग्वालियर से। मेरे को सब एमपी वाले मिल रहा है आज, क्या जा रहा है? पूरा ऋषिकेश में एमपी वाले हैं क्या यहाँ पे? अच्छा तो कितने दिन से? आज कितने दिन होगा बिल्कुल? सोमवार को 13 क्या कह रहे हैं रजिस्ट्रेशन के लिए? कुछ मना कर रहे हैं, पंजीकरण अभी नहीं होगा, नहीं होगा, लाइन लगी आती है फिर भगा देते हैं वहाँ से। तुमको खाना पीना गाड़ी गाड़ी वाला ही बना रहा है? हम गाड़ी वाला देते हैं, खाना पीना सब कुछ मिला लेगा, हमको जाना है। लेकिन गाड़ी वाला भी तो कुछ दिन के लिए आया होगा ना? यही रुकेगा परमानेंट। 5 बजे से लाइन लगा के बैठे थे और फिर भी मना कर दी। पहुँच गया आपकी बात, और बताइए। पंजीकरण मिल जाए, हम लोग बहुत परेशान है। कोई नहीं कोई नहीं, 5-6 दिन हो गए हमको। अरे चुप तो हो जाओ, हो जाएगा लगे। सुना ग्वालियर से मैं आई हूँ, मेरे कागज वागज सब खो गए, अब मैं काई करूँ कैसे जाऊँ? कागज ही खो गए आपके? हाँ यहाँ पर गुम हो गए, गिर गए। बिना कागज कैसे जाओगे आप? साधु संत हूँ, मेरी कृपा करके मुझको टोकन खो गया, उनका मिल जाएगा। टोकन तो मिल जाएगा, कोई टोकन भी खो गए, अपना आधार कार्ड मत गुम करना, बाकी सब वही तो चला गया सर, वो भी चला गया। आप फिर तो यही करो। नहीं नहीं बताओ खाने के बारे में कुछ बताओ, खाना ठीक है? खाना ठीक आ रहा है, बाहर से भी आ रहा है, देहरादून के गुरु महाराज भोले जी के यहाँ से भी आ रहा है, सतपाल जी के भाई के यहाँ से। और क्या चाहिए? खाना बहुत और क्या है, भजन कर रहे हैं, दमादम खा रहे हैं, जल्दी जल्दी ठीक है, थैंक यू, भजन भी हो रहा है, धन्यवाद धन्यवाद। चलिए बताओ भाई कहाँ करने वाले? एमपी? दिल्ली। दिल्ली वाले? यार दिल्ली वालों को तो छूट होती है, कहीं भी छूट ना मिल रही भाई। क्या हुआ, रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा? कहीं कुछ भी ना हो रहा, टोकन सार के ना मिल रहे, टोकन भी नहीं मिल रहा है। खाने की व्यवस्था क्या है? खाने की व्यवस्था तो है, हमारे पास खा पी लेते इधर से उधर, खा लेते हो पी भी लेते हो? ना पीते नहीं है। पीने तो पानी है, खाने पीने की व्यवस्था भी है पूरा पूरी, पीने को पानी है, पीने को पानी रखा है। इन लोगों के रजिस्ट्रेशन पहले हो चुके हैं ऑनलाइन, वो अब आ रहे हैं तो हमसे पहले जाएंगे। बिल्कुल, वो आपसे पहले जाएंगे जिनके पुराने रजिस्ट्रेशन है। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा नंबर तो फिर उस हिसाब से अगली 1 तारीख को आएगा, फिर उस हिसाब से देखा जाएगा। क्या हुआ, रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ आपका? रजिस्ट्रेशन हम 13 तारीख के पड़े हुए। 13 तारीख से? हाँ। कैसा लग रहा है यहाँ पे? लग क्या रहा, वो तो समय काट रहे हैं अपना, जैसा समय काट रहे, जैसे कट रहा है। क्या उम्मीद है? अब उम्मीद को तो क्या बताएं, रोजाना कल कर रहे हैं, कल कर रहे हैं, कल कर रहे हैं भाई। पंचीकरण सेंटर पर आप देख सकते हो यहाँ पर कोई भी नहीं, अभी पता नहीं हो रहा है नहीं हो रहा है ये तो पता ही नहीं, लेकिन यहाँ लोग बैठे हुए हैं। और यहाँ आप देख सकते हो भाई अच्छी खासी भीड़, और ये बढ़िया सा टेंट यहाँ पर लगा रखा है, पुलिस की व्यवस्था भी है कंट्रोलिंग के लिए, और सारे लोग यहाँ रुके हुए। अभी हंस फाउंडेशन की तरफ से भोजन की व्यवस्था की गई है, और यहाँ पर लोग जो है लाइन लगाना शुरू कर दिए हैं जो भी मिलेगा। तो हंस फाउंडेशन की तरफ से दोनों टाइम जो है लंच और डिनर की व्यवस्था है यहाँ पर,
और ये आज भी चल रहा है और ये 13-14 तारीख से लगातार लगे हुए हैं सेवा करने पे। अचार वगैरह है और ये कुछ आइटम्स जो है इन्होंने हैंडक्राफ्ट्स के बना रखे हैं, स्नैक्स वगैरह, गढ़वाली अरसे बहुत बढ़िया, चाय की भी तैयारी है। और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं दही भल्ला वगैरह भी अवेलेबल है। तो गाइस यहाँ पर व्यवस्था तो पूरी है, आप चाहे तो अपने पैसों से भी खाना पीना कर सकते हैं। और वैसे भी यहाँ पर कुछ फाउंडेशन वाले जो है अपना यहाँ पर जो है कि सेवा हुआ दे रहे हैं। मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल है यहाँ पे, अगर किसी को दिक्कत होती है तो मेडिकल फैसिलिटी भी यहाँ पर अवेलेबल है अच्छी तरह से। ये देखिए सारे के सारे कुछ एक मरीजों को जो है वो चेक किया जा रहा है यहाँ पे। और गाड़ियों का काफ़िला आप देख सकते हो भाई, बाइक भी हैं, छोटी गाड़ियाँ भी हैं, सब के सब यहीं इन्होंने रोक रखी है भाई। और पार्किंग की अच्छी व्यवस्था है, काफ़ी चौड़ा पार्किंग है, कोई दिक्कत नहीं है। बस दिक्कत आ रही है लोगों को यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा और वो 3-4 दिन से यहाँ पड़े हुए हैं। और ये भी हॉल में आ गया मैं, हॉल की स्थिति आप देख सकते हो भाई, फुल भरा हुआ है। ये देखिए लोग बिल्कुल रिलैक्स होते हुए, ये देखिए लोग बिल्कुल पड़े हुए हैं भाई। पहुंच गया अभी सेकंड फ्लोर पे और सेकंड फ्लोर की स्थिति मैं दिखा दूं आपको, नीचे से भी भयंकर हो रही है, लोग जहां के तहां पड़े हुए हैं। ये भाई ट्रांसलेम के हाल। और यहां पर जूस कॉर्नर है और जूस भी यहां पर अवेलेबल है। यहां पे कम से कम यहां पर पेय पदार्थ है, जूस वगैरह अवेलेबल है यहां पे और लोग जो है जूस का भी आनंद ले रहे हैं भाई। ये टॉयलेट गेम का हाल। ये देखिए लोग जहां तहां पड़े हुए हैं भाई, जिसको जहां जगह मिल रही है वो वहीं लेट जा रहा है सारे के सारे। कैंटीन की फैसिलिटी भी है और खाना वगैरह अवेलेबल है यहां पे। कोई बात नहीं, रिलैक्स। ओके, 3 दिन से रुके हैं। ये जो खाना है कैसा लग रहा है? खाना बहुत बढ़िया, एक नंबर खाना है। कितने का प्लेट? ये नहीं पता, वो हमारे जो साथ आए हैं ना वही खिला रहे हैं हम खाना। अच्छा, वही खिला रहे हैं। हाँ। टोटल कितने दिन हो गए आपको यहाँ पे? 3 दिन हो गए। 3 दिन हो गए, रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा? रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। क्या कह रहे हैं? परेशान ही और क्या, जल्दी सोचते हैं जल्दी पहुँचे वहाँ पे दर्शन करने के लिए। हाँ। खाने का बताइए, खाना बहुत अच्छा है, बढ़िया है खाना। हम ये कह रहे थे आपको देख के कि न्यूज़ में सुनते थे कि चारधाम यात्रा रुकी गई तो अब हम भी शामिल हुए उसमें। कैसे लग रहा है यहाँ पे? सर रुके हैं दो दिन से। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो, कितने दिन रुकने की उम्मीद है? अब सर अभी कुछ नहीं कह सकता, प्रशासन के हाथों में है, जितना जल्द से जल्द अच्छे। व्यवस्था के बारे में क्या कहेंगे? व्यवस्था तो बहुत अच्छी है साहब, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी व्यवस्था है, पुलिस प्रशासन बहुत अच्छी व्यवस्था है। बस यही है कि जितने जल्दी से वहाँ से लोग श्रद्धालु वापस आए तो यहाँ के जो रुके हुए श्रद्धालु यहाँ और हरिद्वार दोनों जगह। आपने ऑनलाइन नहीं कराया था रजिस्ट्रेशन? नहीं, ऑनलाइन नहीं कराया था, हम लोग टीम के साथ आए हैं। टीम के साथ आए थे, पैकेज में आए हैं, तो उन्होंने कहा था हम करा लेंगे यहाँ पर, परसों आ गए थे हम लोग। ठीक है, व्यवस्था यहाँ पे? हाँ, व्यवस्था बहुत अच्छी है। निवेदन है कि जल्दी वहाँ से खाली करें ताकि हम लोग यहाँ से वहाँ पहुँच सके। वहाँ पर कोई नहीं सर, बहुत जल्दी हो जाएगा। थोड़ा सा क्या है ना, एकदम से भीड़ ज्यादा होगी। प्रशासन तक आप हमारी बात पहुँचेगी कि जल्दी से उन लोगों को भेजें ताकि हम लोग यहाँ से जा सके। बिल्कुल सर, थैंक यू सर, थैंक यू। उसी फ्लोर में पहुंचे ना, उसी फ्लोर में जनता का काफ़ी भीड़ है और सब लोग जहां का तहीं पड़े हुए हैं। ये देखिए भाई, ये है ट्रांजिट कैंप की स्थिति। अगर आप भी अगर प्लान कर रहे हैं ना चार धाम यात्रा का, थोड़ा रुक के करें क्योंकि यहां पर ना थोड़ा सा भीड़ वगैरह ज़्यादा हो गई है और रजिस्ट्रेशन के बिना तो आप जा ही नहीं सकते। रजिस्ट्रेशन तो आपने करना ही करना है भाई। यार व्यवस्था बहुत अच्छी है, बस हड़बड़ी ना मचाएं, हड़बड़ी की वजह से ना यहाँ पर भीड़ जो है इकट्ठा हो जा रही है ऋषिकेश में। और ये आप देख सकते हैं यार, गेट के सामने ही सब फुल है, सब गेट के पास से ही आप देख सकते हो ये सारा का सारा फुल है भाई ट्रांजिट कैंप।
और यहाँ देख सकते हो यार आप, भाई लोगों ने पूरा खाना होना तैयार कर दिया और खाना वाला बांट भी दिया इन्होंने। और देखिए कुछ नहीं है ऊपर, बिल्कुल खाली है, धूप में ये लोग बैठ के खाना होना तैयार कर दिए हैं। खाना खाते हैं धूप में, खाना खाते हैं धूप में, खाना खा रहे हैं। आप ये बताओ आज छठवां दिन है, हाँ छठवां दिन से हम लोग यहाँ परेशान हैं और ना खाने के लिए पैसा भी अब घट रहा है। पैसे मांगो लोगों से, अब कौन देगा बताइए। अच्छा तो 61 लोग हैं हम लोग, आए हैं सीधी एमपी से, हाँ मध्य प्रदेश। क्या कहना चाहेंगे और कितने हम लोग ये चाहते, अब पता नहीं अभी तो आज गए थे लाइन में लगे थे तो बोले हैं कि कोई निश्चित नहीं कितने दिन लग सकता है। अच्छा अब जब वहाँ से परमिट आर्डर मिले तब यहाँ से छोड़े। और क्या क्या बनाया खाने में आपने? आज हम लोग बनाए हैं आलू गोभी टमाटर की सब्जी, हाँ। और दाल चावल पूरी। क्या बात, खाना तो अच्छा बन रहा है। अच्छा बन रहा है लेकिन थोड़ा यही है मजबूरी की, धूप है छाया भी नहीं है, परेशान है हम लोग। और बस के बगल में ही आप लोग खाना वाना बना रहे हो, कहीं ना कहीं ये डेंजर भी है, कहीं ना कहीं ये डेंजर भी है। थोड़ा सा और जगह होती तो बढ़िया था। थोड़ा यह है कि पानी की सुविधा जरूर अच्छा है यहाँ, पानी ठीक है, पानी अच्छा मिल रहा है, बहुत बढ़िया। चलो कुछ तो अच्छा है, अच्छा है और व्यवस्था अच्छी है, टेंट भी अच्छा है, टेंट भी अच्छा है। अब टेंट में आदमी है तो जगह कहाँ जगह, शाम को मौसम भी अच्छा है, शाम के मौसम अच्छा रहता है ठंडा। और ये देखिए फिर से गाड़ियों की लाइन, भाई आए जा रही, जा कोई नहीं रही यहाँ से, गाड़ी सारी गाड़ी यहाँ आए जा रही है। कड़ी चावल है, कड़ी चावल। और कैसे लग रहा है यहाँ पर खाना? लग रहा है खाना तो बहुत स्वाद है, कड़ी चावल है, हाँ कड़ी चावल। ये हंस फाउंडेशन वाले हैं, हाँ जी वो दे रहे हैं, हाँ उन्हीं ने। कितने दिन से खा रहे हैं आप उनके साथ? हम 3 दिन हो गए हमको। बढ़िया है खाना? हाँ बढ़िया खाना है। चलिए धन्यवाद आपका, शुक्रिया, थैंक यू। और यहाँ पर फिर से एक और काउंटर हंस फाउंडेशन की तरफ से खाना लेते हुए लोग। आज है कड़ी चावल, तो गाइज ये था आज का वीडियो जो कि टैलेंट कैंप पे था। और आप भी अगर चारधाम यात्रा का प्लान कर रहे हैं तो भाई सोच समझ के करें, क्योंकि यहाँ पर लोगों को ना कम से कम एक एक हफ्ता हो गया। तो अगर आप भी अगर प्लान कर रहे हैं चारधाम यात्रा का तो बिल्कुल प्लान कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन तो कराना ही पड़ेगा और बिना रजिस्ट्रेशन के आप जा ही नहीं सकते हो। और आपने कंडीशन देख ही ली है, ऋषिकेश में ही ये हाल है तो आगे क्या हाल होंगे। तो आज का वीडियो करते हैं समाप्त और मिलते हैं आपको एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।